21 दिसंबर साल 1974 में INS सातवाहन को भारत के जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला पोत है। इसका नाम सातवाहन राजवंश से लिया गया है, जिसने कभी प्रायद्वीपी भारत के पूर्वी तट पर शासन किया था। साल 1986 में INS सातवाहन को एक विशेष पनडुब्बी प्रशिक्षण निर्माण में बदलने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में INS की यह इकाई भारतीय नौसेना का प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। 21 दिसंबर साल 1898 को अंधेरे में उजाला फैलाने वाले रेडियम की खोज हुई। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की। मैडम क्यूरी ने खनिज का अध्ययन करके उससे यूरेनियम अलग कर दिया और बाकी बचे हुए हिस्से को उन्होंने रेडियम नाम दिया। इस खोज से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव के साथ एक नई क्रांति हुई। रेडियम का इस्तेमाल कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। 21 दिसंबर साल 1969 को मानव ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा। आज ही के दिन नासा द्वारा अपोलो 8 अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में भेजा गया। इस यान को फ्लोरिडा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार था जब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से दूर चांद की कक्षा में भेजा गया। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे जेम्स ए. लॉवेल, विलियम एंडर्स और फ्रैंक बोरमैन।